देखो ब्रह्म बाबा का जय महेश ब्रह्म बाबा। रखो राम। हेलो गाइस, एक और न्यू ब्लॉग में स्वागत है। गुड मॉर्निंग गाइस, वो वाला ब्लॉग मैंने एंड कर दिया था स्टेशन पे ही, आते समय स्टेशन से बगुनिया मोड़ पे हूँ मैं अभी। बस मैं और पापा बैठे पड़े और बस में देखो यार कैसे होता है, बस का दिखाता हूँ। बस में टीवी लगा रहता है, टीआरटी टीवी। किधर हो? वो कौन थी जो मुस्कुराने मुस्कुरा के चली गई, लिखा पड़ा है और पीछे ना। अभी भीड़ है ही नहीं, भीड़ होगा बहुत ज़्यादा अभी थोड़ी देर बाद। भीड़ अभी है कहाँ? भीड़ बहुत थोड़ी देर बाद होगा, बाहर बाहर का दुकान वकान अभी खुल रहा है। अभी सुबह का टाइम है तो सुबह अभी टाइम हो रहा है 5:56 और अभी हम उतरेंगे मलमलिया। देखते हैं कितना टाइम लगेगा मलमलिया जाने में। एक घंटा के भीतर भीतर, यानी कि एक घंटा लग ही जाएगा। तो एक घंटे में मलमलिया उतरेंगे, फिर वहाँ पे देखते हैं, आपको दिखाते रहूँगा रास्ते में बस के बाहर का नज़ारा। तो अपने विलेज का बनाऊँगा तो अपने सुबह देखता हूँ। तो गाइस हमारी बस चल चुकी है, हमारी मलिया के लिए आगे और भी बहुत सारे स्टॉपेज है, बहुत सारे लोग जाते हैं। देख रहे हो ऊपर से दिखा रहा हूँ, वाओ ये घर गेट नीचे ऐसे हैं छोटे हैं, कितना भीड़ है। ये है बगुनिया मोड़, यहाँ से जाएगा। देख रहे हो बगुनिया मोड़ का, ये किसकी लगी पड़ी है प्रतिमा, ये पता नहीं है मेरे को भी। यहाँ से जाएगा किधर से जाएगा, ये वाला छपड़ा इधर जाएगा और इधर मलमलिया इधर जाएगा। देख रहे हो फिर कोना बना पड़ा था, मलमलिया चलेंगे। आंटी भी देख रही हैं, लोगों का वो रिएक्शन है ना बता नहीं सकता। तो वो आंटी थी ये साइड में दिखा दिया। देख रहे हो अभी हेलमेट के बिना हेलमेट के बहुत लोग चला, हेलमेट पहन के चलो चलाना है तो स्कूटी चाहे बाइक हो, हेलमेट के लोग चलते हैं वो भी बहुत दूर दूर तक जाते हैं। ये तो मेरे को पता ही है पहले से, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए जगह जगह, और एंटरटेनमेंट देखे कैसे भाई। तो बस ट्रक चल रहा है सब चाहिए, बस हेलमेट लगाना जरूर। दूर भी लेने जाऊँगा तो हेलमेट जरूर लगाना है। मैं एक परिवार के सेफ्टी देखना तो आपके परिवार के लिए सेफ्टी देखना। पीछे अभी एक और बंदा आ रहा है, तीन तीन बैठ के आ रहे हैं, जो चार बैठे हैं बिना पीछे देखो। सब कितनी सारी ट्रक लगी पड़ी है जिसमें कि डस्ट होगा सामने, सब में डस्टी डस्ट होगा। दूसरी साइड में लगी पड़ी है तो मैं इस साइड से वही है। लोग मोल भाव करते हैं और लेके जाते हैं, एक एक ट्रक अपने लगवाते हैं जिसको घर बनवाना होता है। नज़ारा कितना मस्त है, हरियाली बहुत है, बढ़िया यहाँ पर हरियाली इसी है, सही है। हरियाली की बात ही अलग होती है। देखो एक और आगे, ये देखो एक और कर रहा है, ये बस पूरा आ गए बाहर निकल रहा है। अभी हम बसतपुर में,
सत्तर के बाद मलमल गया। वो बस दोनों तरफ मार्केट ही मार्केट लगा पड़ा है। मलमली आ चुका हूँ। ये देखो यार, पुल बनने पे पता ही नहीं चल रहा कि ये हुलिया क्या है। ये नीचे था ही नहीं पहले, मैं जब था 4 साल हो गया समझो, लमसम पुल के पिलर नीचे रखे पड़े हैं, ऊपर का काम अभी बाकी है। आगे देख रहे हो मंदिर, देखो यार मंदिर छुप गया यानी कि पुल से। ये हनुमानगढ़ी मंदिर देखो, छोटा सा अभी दिखाता हूँ इसका नाम, देख रहे हो। और ये पुल बन गया एक और नया, ये भी नया पुल बन गया है। ये मसरक के लिए जाता है ना, ये मसरक के लिए जाता है। तो हम इधर वाले पे चलेंगे, इधर से चलेंगे हिलसर अपने ब्रह्म स्थान। अभी खाना वाना पीना करते हैं बुरश उश करके। देखो ये गाड़ी में उड़ेगी इधर, और देख रहे हो पुल पे लोहे का एकदम लगा रखा है यार। दिखाता हूँ बाहर से, इधर से दिख रहा है दूर, तो इसी साइड जाएंगे मंदिर के दूसरी तरफ से। अभी देखते हैं, वेट कर रहे हैं अभी तो, बस में बैठे पड़े हैं, खा पी लिया थोड़ा जो भी था। फिर सर उतरेंगे वहाँ से पैदल जाएंगे, क्योंकि अगर कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो पैदल स्कूल दिखाऊंगा जिसमें मैं 1 साल पढ़ा था यहाँ पे। लोग भी देख रहे होंगे यार मेरे को, यहाँ लोगों का रिएक्शन ही अलग है क्योंकि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ना। ये यार ऊपर का ये छोटा वाला पुल है, ये बगल से जा रहा है जो ये नेशनल हाईवे, ये फाटक लगा रखा है। तो भोजपुरी में मैं बात करूं तो ये फाटक अवेलेबल है, क्योंकि मैं भोजपुरी मेरे को थोड़ा आता है, ऐसी बात नहीं है, बट मैं करता नहीं हो जाता, मैं हिंदी में बोलता हूँ। ये देखो यार ऊपर इस साइड देखो फाटक का। तो कंटिन्यू ब्लॉग आपको दिखा रहा हूँ, नीचे से लेके जा रहे हैं। अभी कार अभी चल रहा है, अभी काम हुआ नहीं है, सही से हुआ नहीं है, यहाँ पर टाइम लगेगा। अभी कम से कम 1 साल का लमसम लग जाएगा, टाइम टू टाइम अपडेट हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ पे डेवलपमेंट अभी चाहिए। ये पुराना वाला पुल है, इससे मैं आया करता था। पुराना वाला पुल कैसा हो गया ये, अब यहाँ से रास्ता बना दिया इधर ना। साइकिल चलाता था ना, साइकिल चला चला के मैं दूर जाता था। आपने बसतपुर देखा ना, बसत पीछे में और पापा हैं, ये रे पापा, और पीछे का नज़ारा देख लो, आगे का नज़ारा देख लो। हाँ हाँ, ये आम के बाग हैं जो भी हैं। अभी हम पैदल जा रहे हैं, पापा कह रहे हैं इतना दूर थोड़ी ना है, अरे चलो ना यार इतना दूर थोड़ी ना है, पैदल चलने का मज़ा ही कुछ और है। हम देखेंगे कि स्कूल देखना है ना, स्कूल देखते हैं, स्कूल का विकास कैसा प्रोसेस। हाँ अभी भी कुछ लोग लोकल में जाते हैं तो लग रहा है हेलमेट नहीं पहनते, अभी देखा ही होगा बहुत लोग। बागवान ने यहाँ पे लग रहा है आम नहीं हुआ है, आम नहीं हुआ पापा हैं? हाँ हाँ देख रहा हूँ, आम दिख रहा नहीं है, पापा बोल रहे हैं है शायद। अब तो दिखा लो, वो पिछले कलर हाँ क्या दिखा लो। हाँ हाँ देख रहे हो, फटफटिया पीछे गई, देखो पीछे आवाज़ ही अजीब सी है। ये बांस है, और ये देखो अब दिखाया आम मोटे मोटे, देख रहे हो कितने मस्त लग रहे हैं आम, देख रहे हो। तोड़ने का तो मन कर रहा है लेकिन नहीं तोड़ूंगा, अभी पका है ली, किसी और का पेड़ है ये तो नॉट अलाउ, वो बेकार है, किसी का पेड़ का नहीं तोड़ना चाहिए आम। देखो ना गांव की बात ही अलग है यार, हरियाली है ना, बड़े दिन के बाद आए। चलते देखो आम के पेड़ के पास रुक गया है, देख रहे हो बड़े वाले पे, देख रहे हो ना कितना तो मस्त लग रहा है यार। इसमें भी है, पापा आगे जा रहे हैं यार, कितना तो मस्त लग रहा है हरियाली है ना। और आगे
तो गाइस आते आते देखो स्कूल में, ये स्कूल का है, ये प्रिंसिपल का रूम है, इसमें लैब भी है और प्रिंसिपल का आगे होगा ऑफिस होगा। मैं वहाँ पे उस कोने पे देख रहा हूँ, उस स्कूल में पढ़ा हूँ एक साल यहीं पे पढ़ा था, गांव जब रह गए थे हम लोग तो। और ये देखो यार अभी नेव दे रखा है, बनेगा लग रहा है, पुराना कितना खंडर जैसा हो गया, अजीब सा। अब पुराने स्कूल जो पुराने ज़माने के हैं वो पीछे देख रहे हो, खपरौल उसमें पढ़े हैं, उसमें मेरे पापा पढ़े हैं, है ना पापा, वो पीछे वाला खपरौल पापा पढ़े हैं। वाह, मैं भी इसी में पढ़ा था, इसमें देखो दिखाता हूँ यार, बस आ गया। कौन सी क्लास में, यही वाला था, इसमें ही था, इसी में पढ़ा था। ये लंबा चौड़ा है, यहाँ से लेके वहाँ तक होगा शायद, आधा उधर का गर्ल्स का है। टेंथ में कि नाइन्थ ऐसे ही कुछ था, नाइन्थ में था मैं ऐसे ही, हम सब यहाँ पे इसमें पढ़ा था मैं। फिर यहाँ से कोने पे देखो जाते हैं, कोने से मोड़ते हैं, तो पढ़ाई देखो आठवीं क्लास का, ये आठवीं तक है ना, आठवीं तक है। टेम्पो जा रही है पीछे से, हम तो पैदल ही जाएंगे, मंदिर भी बहुत दूर है। ये आठवीं तक है, ये वाला वो वाला मिडिल स्कूल। यहाँ पे ये है कि खाना वाना जो भी है, अभी तो छुट्टी पड़ रखी है शायद, देख रहे हो ये उस वक्त ना बहुत बढ़िया था ग्राउंड, मैं जिस वक्त पढ़ रहा था यहाँ पे, यहाँ से जा सकते थे सब चीज़ वगैरह वगैरह, अब पूरा बेकार कर रखा है देख रहे हो। और ये भी नहीं था जब मैं पढ़ रहा था, तो ये बाद में ही 2 साल पहले आया था जब, तब बना है यहाँ पे ये। अब मंदिर बहुत दूर है, आगे थोड़ा सा और दिखाऊंगा आपको तो दिख जाएगा, तो मिलते हैं। ये देखो टावर देख रहे हो, ये यहाँ से ये पेट्रोल पंप आ गया इस मोड़ से, ओरा टेंपल देखो दिखाता हूँ, टेंपल बहुत दूर है लेकिन दिख जाएगा हल्के में, तो ठीक है दिख ही रहा होगा। गाइस देखो यार आया तो अभी देखो, ये मेरे खेत में, हमारे खेत में, मेरे नहीं वही हमारे जो भी पूरी फैमिली बोलते हैं, ये हमारे खेत में पेड़ शीशम का, यहाँ से समझो आगे से पीछे तक है, उस साइड भी है देख रहे हो ना, पता नहीं भैंस कहाँ है। वाह, तो चलते हैं, पापा भी जा रहे हैं आगे, देखते हैं। वो देख रहे हो द्वार दिख रहा है, वहाँ पे था नहीं, एक टाटी भी रखा है, किसी का दुकान खुल गया है। पापा तो आगे चल रहे हैं, दिख रहा है ना वहाँ पे, और वो द्वार है। अरे ये यहाँ पे पानी भर जाता है इस पुल पे, ये पुल का हालत क्या कर रखा है, पूरा पानी भर जाता है ये बारिश में। इधर पोखर है इसके साइड, पीछे साइड में देख रहे हो आप, दिख रहा है यहाँ से मेरे गांव का मंदिर। और ये देखो यार मेरे गांव का टेंपल है, और ये पोखर है। ये देखो यार यहाँ से जा रहे हैं, मोड़ पे से आ गए थे, पीछे की गेट देख रहे हो मैं, ये देखो ये पहले वैसे का वैसा ही है, किसी का घर बना पड़ा, अभी बना नहीं है, 2 साल पहले भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है, ये तो बदला नहीं है। मंदिर तो पता ही है, वो पोखर है जिसमें कि पानी भरा पड़ा हुआ, वहीं पे बुझा रही है बच्ची, इसको देखा देखा सा लग रहा है बाबू को, पता नहीं है, याद नहीं है। देखो गेट पे आ गए थे जैसे, अंदर घुसे पापा, अंदर घुसे मंदिर देखो यार, सब चारों तरफ से पेड़, वैसे कैसे यहाँ पे पेड़ था तो वो कट गया, कितना अच्छा लग रहा है। अंदर चलते हैं, पापा को लग रहा है, देखो ब्रह्म बाबा का, जय महेश ब्रह्म बाबा। मेरे को इतना नहीं लगा था कि मैं दूसरी बार ब्रह्म बाबा का दर्शन कर पाऊँगा, कर लिया देख रहे हो। वाह, टीका टेम्पल है, गोर लग लिया था मैंने भी, ये दुर्गा माता का है देख रहे हो, तो मिलते हैं। ये देखो राम दरबार, राम जी का, हनुमान जी बैठे हैं, यह संतोषी माँ, यह संतोषी माँ देख रहे हो, ये है हनुमान जी, पापा जा रहे हैं उधर।
हनुमान जी का, विश्वकर्मा भगवान, मैं सभी का अनुसरण वहीं पे करता हूँ। यहाँ पे भी गोर लग रहा हूँ। ये पीछे जाने का रास्ता है, देखो पापा उधर जा रहे हैं। ये है राधा कृष्ण भगवान। जय राधा कृष्ण भगवान की जय। ये लक्ष्मी नारायण भगवान का है, देख रहे हो। जय लक्ष्मी नारायण भगवान, नीचे ठाकुर जी रखे हैं उस पर। आगे बंगला मुखी माता, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा है। बंगला मुखी माता की जय, देख रहे हो। दान पात्र भी रखा पड़ा है साइड में। जय बंगला मुखी माता। सभी देवता का मैं अनुसरण करता हूँ। और यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, वहाँ पे जो हमारी वो माता का वहाँ पे, हाँ दिखाते हैं, अभी चलते हैं। वहाँ पे माता रानी का नीम का पेड़ वहाँ पे दिख रहा है ना, देखो मंदिर में। ये स्टोर है, इसमें कुर्सी उर्सी रखी रहती है। यहाँ पे आवश्यक सूचना मंदिर के बारे में लिखा पड़ा हमारे हैं। तो ये स्टोर है ना, इसमें सामान वामान रखते हैं। गौशाला वहाँ पे है, गौशाला, गाय माता रहती है जो, और यज्ञ का वो है स्थान। यहाँ पे बीच में बना था कुछ दिन पहले, ये था कुआं, जिसमें कि एक बार देखूँगा टाइम मिलेगा तो। इसमें पेड़ बहुत बड़ा था, ये दुकान बन गया किसी का, यहाँ पे बना दिया मंदिर की कई शायद बना है मंदिर का, मेरे को पता नहीं है इसके बारे में, देखूँगा। पापा ये मंदिर का बना है ना, ये भी माता रानी का मैं भूल गया था, देख रहे हो। ये और एक और माता रानी, ये यहाँ पे यज्ञ इसमें होता है। यहाँ पे था वो पेड़ था एक, और ये मेरे बड़े पापा, इनको मैंने पैर छुआ, पापा ने भी, पापा से, पापा छोटे हैं ना सबसे, अभी घर पे आए पड़े हैं। और बहुत ज़्यादा गंदी हुई पड़ी है तो साफ सुथरा करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। जस्ट अभी यहाँ पे आ गया था मैं, कम से कम वही 2 घंटे पहले 1 घंटे पहले। साइकिल वो रखी है नई वाली बाइक के पास, काम अंदर घर में कर दिया था, थोड़ा साफ सफाई कर दिया था, लेकिन अभी बहुत बाकी है। अब बारिश देखो यार, 6 महीने के बाद आया यहाँ पे, सुना यहाँ पे साधु जी का थोड़ा सा वो हो रहा है, अब प्रोग्राम हो रहा है, ब्याह व्यास आए पड़े हैं, देखो तो सबके सब यहाँ पे बैठे पड़े हैं गाँव के भाई। उस वक्त काम तो हो गया था यहाँ पे, देख रहे हो शादी होते रहता है हमारे परम बाबातर है ना। ये मेरे बड़े पापा, पापा भी वहाँ पे बैठे पड़े हैं, सब लोग हमारे गांव के बड़े उड़े लोग और व्यास लोग भाई, बाहर देखते हैं आज। चलो आपको बाहर दिखाते हैं, बाहर का नज़ारा बारिश होने के बाद का। वाह, मैं जूते नहीं पहना हूँ यार, अभी दिखा नहीं सकता। देखो वहाँ तक हरियाली, देख रहे हो कितने दूर तक है, मज़ा ही आ जाता है ना। मंदिर का द्वार देखो यार, आपको दिखाया नहीं था ना यहाँ से, और वो वाला तो दिखाई था। ये देख रहे हो, इसे सही है, बॉडी बन गई, वेरी गुड। ये हमारे मुन्ना भैया जो है ना, हमें मानते हैं, उनका बेटा है ये। पापा सामान निकाल रहे हैं, बाबा को दे रहे हैं, तो बाबा को जूता पहना है, ये मेरे बाबा, हमारे बाबा देख रहे हो। देख रहे हो कुछ और गा रहे, ये देखो जूता है बाबा का, और दादी के लिए जो भी सामान निकाल रहे हैं बाबा, ये देखो धोती, देखो धोती बाबा के लिए, धोती, और दादी के लिए भी है, दादी वहाँ पे लेटी पड़ी अभी। ये दादी के लिए निकाल रहे हैं सैंडल चप्पल है, दादी तो बेचारी लेटी पड़ी है। देखो मेरे बाबा कैसे बोल रहे हैं, देखो दादी के लिए क्या क्या लेके आए, जाता नहीं दादी के लिए, देख रहे हो।
तो और सामान बा बैठा ही उठा के बैठा ही मैं बैठा जाता ना बैठा जाई ना बैठल जाए बैठल ना जाए बैठ जाए उठ के उठा के बैठ जाए नमकीन साबुन ठंडा तेल पैसा पैसा रखो काम क्या करोगे चप्पल था क्या करोगे तारा खाती लेने तो ये में रख दें उम्र बहुत ज़्यादा रख दें मैं इनकी रख दें चलो ना हेलो अन्ना ये तो कल वापस से ना उठी ये तो आप नहीं चाहते हो ना हाथ किया नहीं हाँ क्या करोगे जाओ देख लो एक बार कोई बात नहीं जाओ मांगेंगे तो देख रोज रोज मांगेंगे हाँ क्या हो पैसा दिन हमारे दे दो कपार पहरी है काम पाए और पैसा के धरी हम न धरे धरे कि तू धर धारी आज ना अब उनका कहाँ पता अब कुछ नहीं के पता रखी रहू अपने पास रखी ले जाइए अपने पास रखी ले जाइए वो बोला तरी रहुए रखी ना रहुए रखी वो बोला तरी जो बा कितना साल के हो बोली दादी वैसे सौ से ऊपर बढ़ गया निकल वो तो बात बदल गई जान हाल में हाँ गर्मी लगा था जा बीकोसुल चाहिए पूछना लाडू कोसुल थोड़े ना दवाई कोनो ना खालियो कोनो ना खालियो अब छोड़ देली सब दवाई भुला गई ली तो चलो कोनो बात ना मैं तो हम सोच रहा हूँ बता देती भाई से बाप मादारी हला भाई चाली गए आज में भी आके नहीं गया दिन और बहन जो दल काट काट दे ना उनको लेट नहीं दो ये बाजे
तो टॉनिक उन्हें कुछ नहीं लिखवा सकते टॉनिक उन्हें कितना पी हम जैसे ताकत हो जाए दवाई के नाम ही निशान अब नहीं चलो बाजार चलते हैं फिर उनको लेटा दो आराम करने दो नहाए के बाद चलो बचाली देख ली प्रीति आपने देखा ही पापा दादा बाबा और दादी को सामान दे रहे थे और दादी को देखा कि बहुत ज़्यादा दादी भी हमारे पापा देखो दे रहे साइकिल ले लिए और जा रहे हैं बुआ के यहाँ पहले साइकिल में वो हवा डलवाना है और पंचर उंचर भी थोड़ा सा लग रहा है मेरे ख्याल से तो अब बाज़ार पे तो जा नहीं सकते बुआ की ओर जा रहे हैं तो उधर ही से करवा के निकलेंगे और ये देखो हमारी बड़े पापा की भैंस इधर दिख रहे देखो यार दिखाता हूँ ये रे जा रहे हैं दिखा दिया ना मिलते हैं पीछे देख रहे हो मंदिर कल आएंगे आज देखते हैं अगर तो व्लॉग में कंटिन्यू बने रहना ये तो देखो नील गाय दिखा देखो दिख रही है कैमरे में दिखा रहा हूँ दूर से पास कर रहा हूँ वो दिख रही है ना इन्हीं को बोलते हैं नील गाय ये धान गेहूँ खा जाती हैं जो भी है बोते हैं लोग तो जा रही है देख रहे हो कैसे चल अरे खा रही है लग रहा है बोरा खा किसी ने बहुत लोग बोते हैं ना पापा आगे देखो कहाँ तक चले गए मैं पहुँचता हूँ तो देखते हैं आगे थे और ये साइकिल में ट्यूब डलवाया नया पुराना ट्यूब ख़राब हो गया था तो नया डलवाया पन अब उखड़ गया था वो जो भी हो और पीछे उछे जो भी सही कर रहे पापा देखो ये नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है देखो हाथ में पसीना पसीना कितना हो गया पानी पानी हिल सा रहे हैं अभी आम का पेड़ देखो यार कितने सारे आम हैं मिलते हैं फिर थोड़ी देर में रास्ते में चलते हैं तो मैं पीछे बैठा पड़ा हूँ पापा साइकिल चला रहे हैं ये देखो यार एजेंसी अलग रहा है कार की हाँ बेचने वाले की है कार बेचने वाले की तो पापा चला रहे हैं ये रे हैं पापा चला रहे हैं मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है मेरे को तो ना है क्योंकि मैं तो मेरे बस की ना है बाइक चला लेकिन नहीं यार चला लूँगा इतना तो है पीछे देख आगे देखो इधर भी जनरल खोल दिया होलसेल हैं हाँ ये ग्राउंड भी कर रहा पीछे देख रहे हो पूरा आगे रोड है मार्केट धीरे धीरे आ रहा है आगे रोड पूरा खाली है होलसेल का मतलब हुआ सही रेट पे या सही बोल रहे हो सही रेट पे हाँ तो पापा मोड़ रहे हैं होलसेल रेट में लेने के लिए फिर नहीं मजाक कर रहा हूँ हाँ तो जा रहे थे इधर से पीछे से आए हैं देख रहे हो कैसा बना घाट इधर से देखो तो इधर सीधे चल रहे पापा देखो तो मिलते हैं पापा के संग बैठते थे मैं भाग रहा हूँ बैठूं पापा क्या कह रहे हैं वाह ये क्यों खोदा है छठ के लिए मट्टी उट्टी पूरा खोद दिया है बनाया नया बनाया लग रहा है सीधे चलना है तो सीधे चलते हैं अभी पंचर हो गया था रास्ते में थे जब हम पीछे वाला साइकिल मैं पहले बोल रहा था तो उसको बनवाया और पीछे देख रहे थे छठ घाट का भी देखा थे इधर देखो ये देखो यार इधर भी एक पोखर सा है शायद एक तालाब पानी सा देख रहे हो इसमें दलदल जैसा है ज्यादा तो 20 रुपए भी ले लेता हमारे से हाँ ये बात सही कह रहे हो ईमानदारी पे तो 15 रुपए उसने लिया और चाय वाले ने भी सुबह भी ना 10 रुपए ले लो चाय के पता हाँ हाँ पिछले साल 10 रुपए लिए थे ओ तेरे तो बताओ और ये जो सुबह चाय हमने पिया था ना तो 5 रुपए लिया नहीं तो अगर चाहता तो वो 10 रुपए ले लेता ईमानदारी पे कुछ लोग होते हैं ईमानदार अभी भी हैं बहुत हैं अभी लोग देखो कितना यार गर्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा पसीने से तसमस हूँ सुखा रहा हूँ तो
कहीं से मुड़ना है भूआ के यहाँ का, देख रहे हो? वाह यार मंदिर है ये। चलो अच्छा यहीं से मुड़ते हैं, चलते हैं मिलते हैं फिर। ये देखो यार कितना मस्त बना है मंदिर, देख रहे हो? यहीं पे भूआ के यहाँ आ गए थे और बाहर देखो पापा लेट पड़े, ये रहे लेट गए, अभी तो जा रहा है अंदर, बाहर बैठ लेटे पड़े, मस्त मजा आ रहा है, पंखा चल रहा है सामने से, अंधेरा हो गया। हम बात करते करते ना तो नहीं बना पाया था ब्लॉग, तो गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर करना एंड कमेंट भी कर देना गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।